हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोगों ने ATC का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया, जिसका लेक्चर मैंने फर्स्ट डाला था कल, मैथ्स का वेक्टर एंड 3D। आज लेक्चर 2 है वेक्टर और 3D का ही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आया है तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड सेकेंड बात, अब कोर्स स्टार्ट किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही ये क्लास 11th और 12th के भी काम आ सकता है टॉपिक, IIT लोगों के काम आ सकता है। जो भी तजीर आपकी IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको भी आप शेयर करें, ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं अपन वेक्टर एंड 3D का लेक्चर 2। तो कल हमने किस किस की बात कर ली थी? कल हमने यूनिट वेक्टर की बात करी थी, फिर हमने DR एंड DC निकाले थे, ठीक है? फिर हमने पैरेलल वेक्टर की बात करी थी और हमने वेक्टर की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? आज इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक चलेगा, इस बार सारी चीज़ें बेसिक पढ़ जाएगी। और ऐसा है कि थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद मेरा टारगेट है कि जुलाई एंड तक आपका मैथ्स का कंप्लीट ATC कोर्स, जिसके अंदर आपकी 11th भी आ जाए, 12th भी आ जाए और आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी आ जाए। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सपोर्ट पर, डिपेंड करेगा, क्योंकि तो मोटिवेशन मुझे आपसे मिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो भी आपके फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले ATC एग्ज़ाम की, तो उनको आपको शेयर जरूर करना है, ओके? चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हो। चलिए दो क्वेश्चन करिए स्टूडेंट फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ वन साइड ऑफ स्क्वायर टू बी रिप्रेजेंट बाई वैक्टर ए, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एक स्क्वायर है, ठीक है? उसकी एक साइड का वैक्टर आपको दिया हुआ है 3i + 4j + 5k। तो आप क्या करो, मान लो ये साइड ए है तो इसका वेक्टर निकाल लो, वो सॉरी मॉडुलस निकाल लो। कितना आएगा? 9 + 16 + 25, तो ये आ गया फिर √50। √50 को आप लिख सकते हो 5√2, ठीक है? ये तो उसका एक साइड हो गया। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर, ठीक है? तो साइड कितनी है? √50 लिख लो, कोई बात नहीं। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 50। आंसर क्या आ गया? डी इज द राइट आंसर, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए दिया हुआ है मॉडुलस एक्स ए, देन एक्स इक्वल टू, कल आपने क्वेश्चन करा था इस टाइप का। देखो सब चीज़ें बेसिक से चलेंगी, तो हो सकता है ये सब चीज़ें आपको आती हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वेक्टर के अंदर है, वो भी बिल्कुल एडवांस वाले क्वेश्चन करेगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि टॉपिक होने के बाद अगर फिर से ये ATC के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अब क्या पूछा? मॉडुलस एक्स ए, कल हम लोगों ने बात करी थी कि एक्स ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एक्स आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको पहले तो ऐसे लिखो मॉडुलस एक्स, मॉडुलस ए इक्वल टू 1। तो मॉडुलस एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन मॉडुलस ए। तो मॉडुलस एक्स 1 अपॉन मॉडुलस ए, इसका मॉडुलस कितना आएगा स्टूडेंट? ये इसको 2i ले लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3, है ना, 1 अपॉन 3। तो वही एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1/3। मैंने बताया था जब भी मोड हटता है तो क्या लगाना, प्लस माइनस लगाना। तो आंसर क्या है? बी, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए यूनिट वेक्टर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। देखो सिंपल सी बात, इसका अगर आप मॉडुलस निकालोगे फर्स्ट वाले का, तो क्या आएगा? कॉस को थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का रूट भी कितना आएगा? 1। ये आपका यूनिट वेक्टर है, ये भी वैसे वैसे यूनिट वेक्टर आएगा। ये सी ऑप्शन जो है वो नहीं आ पाएगा कि यहाँ sin 2 थीटा है, यहाँ cos थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला यूनिट वेक्टर नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा। तो आपन को पूछा नॉट ए यूनिट वेक्टर पूछा, तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन यूनिट वेक्टर नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की, तो एडिशन ऑफ वेक्टर, ये पढ़ा होगा आपने क्लास 11 12th के अंदर पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो आपने दो लॉ पढ़े होंगे, एक तो ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा, एक पैरेललोग्राम पढ़ा होगा आपने, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ। देखो इस ट्रायंगल लॉ क्या होता है, सिंपल सा, कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये वेक्टर जो सी होगा वो ए प्लस बी होगा, ठीक है? ये ट्रायंगल लॉ होता है। अब आपको कुछ याद नहीं करना, वैसे पैरेललोग्राम होता है कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसके पैरेलल आपने बना दिया बी वेक्टर, या ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, अब अपन की कितना काम नहीं आने वाला। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब उसके अंदर आ जाएगा।
मतलब क्या करना, जैसे मान लो ट्रायंगल लो है, अब याद कुछ भी नहीं करना है, मान लो आपको बोल दे कि ये वाला वेक्टर निकालो, सी वेक्टर है, उसको ए और बी के टर्म में निकालना है, ये ए वेक्टर है, अब बहुत अच्छा मज़ा आएगा देने में, कितना बड़ा वेक्टर दिया आप आराम से कर पाएंगे। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना है और उसको एंटी क्लॉक वाइज में घुमाना है, जो वेक्टर आपके डायरेक्शन जा रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जो एंटी डायरेक्शन में जाएंगे वो नेगेटिव लेना है। कैसे देखो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे डायरेक्शन में ए जा रहा है तो ए को लिखो पॉजिटिव है, मैं ऐसे जा रहा हूँ बी भी मेरे साथ जा रहा है तो बी को लिखो पॉजिटिव, मैं ऐसे जा रहा हूँ सी उल्टा आ रहा है मेरी तरफ तो उसको लिखो सी नेगेटिव, तो यार एक दूसरे को, तो बताओ सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू होगी ए प्लस बी, आ गया आंसर। अब देखो उससे बड़े से बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा दिया हो, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, और आपको बोल दे ये आर वेक्टर आपको फाइंड करना है, बाकी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है, ठीक है, और आपको बोला है कि आर के, तो आपको क्या करो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट पे कर लो और एंटी क्लॉक वाइज घूम जाओ, जो जो वेक्टर आपके डायरेक्शन जा रहे हैं सबसे पहले आर लिखो, आर पॉजिटिव, क्योंकि आपके डायरेक्शन आप इधर जा रहे हो आर भी आपके साथ जा रहा है, फिर आप इधर जा रहे हो ए ऑपोजिट आ रहा हो तो नेगेटिव ए, ठीक है, फिर आप ऐसे जा रहे हो बी आपके अगेंस्ट आ रहा है तो माइनस का बी, अब फटाफट लिखो दो, सी उसी डायरेक्शन जा रहा है, डी उल्टा आ रहा है, ई भी उल्टा आ रहा है, और इजिकल टू 0, जहाँ से स्टार्ट हो वापस वहाँ खत्म हो जाए, तो इस आर की वैल्यू कितनी आ गई, इस आर की वैल्यू आ गई ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई, कितना सिंपल है, कोई ट्रायंगल हो ये सब याद नहीं रखना है, सिंपल सा ये तरीका याद रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ये, चलो इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं अपन। जैसे कैसा भी क्वेश्चन दिया आपको आप आराम से कर सकते हो उससे, है ना, एक दो चार फॉर्मूले याद रखने हैं, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, मान लो दो वेक्टर, एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आ जाएगा, क्लियर है, पढ़ा भी होगा आपने, इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, यहाँ प्रूफ की बात चल रही, कॉम्पिटिशन के हिसाब से चल रही बात, प्रूफ करा सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आगे बात समझो, अगर आपने पैरोग्राम पढ़ा हो तो वहाँ पर ये भी पता होगा आपको, ये पी है ये क्यू है, सब कुछ इसके एंगल बी से थीटा है, इसका रिजल्टेंट इधर आता है आर, और इसका एंगल अल्फा है, तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू साइन सॉरी कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऊपर साइन आता है नीचे कॉस आता है, क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस पर अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, ये रिजल्टेंट के लिए है और ये एंगल निकालने के लिए, ध्यान रखना इसके अंदर एंगल किसके बीच में आएगा, पी और रिजल्टेंट के बीच में आएगा, पी और क्यू के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, आगे बात सुन लो, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2i + j, इनके रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, देखो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया, ये वाला आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये तब लगाना जब आपको कॉस थीटा दिया हो, तब आपको लगाना है, ये तो जनरली आपको क्या बोल रिजल्टेंट बोला है, आपको पता होना चाहिए अगर कोई वेक्टर ए है, जनरली ये वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जनरली रिजल्टेंट याद रखना है ए प्लस बी होगा, क्या होगा ए प्लस बी, अगर कुछ नहीं दिया हो तो आपको ए प्लस बी मार्क करना है, तो इन दोनों वेक्टर का स्टूडेंट रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपल सा रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i + 4j - 5k प्लस दूसरा वेक्टर क्या है i + 2j + 3k, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3i + 6j - 2k, ये तो आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, अब इसी के पैरेलल क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, देखो मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर के अंदर ये सब चीज़ें चेंज नहीं होगी, 3i बस का यूनिट वेक्टर बना देंगे, तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता था मैंने, आर अपॉन मॉडुलस आर, तो ये हो जाएगा 3i + 6j - 2k, इसी का मॉडुलस कितना आएगा रूट ऑफ 9 + 36 + 4, तो दिस विल बी 36 एंड 4 40, 49 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i
प्लस 6j माइनस 2k डिवाइड बाई 7, यही आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बोला द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन ए 5 वे, ये इट इज गिवन दैट ये ए एंड बी एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 5/4 दिया हुआ। ठीक है, देखो मैं ध्यान बात ध्यान सुनू, तो एक पैरेललोग्राम है उसके अंदर ये ए है ये बी है, तो एक चीज़ याद रखना, इसका रिजल्टेंट जो होता है वो आपका होता है ए प्लस बी, मतलब इसको आप डायगोनल वन बोल सकते हो, और दूसरा जो ये डायगोनल आता है ये होता है ए माइनस सॉरी डी टू बोल सकते हो। अब ध्यान रखना, एक लॉन्ग वाला डायगोनल होता है और एक शॉर्ट होता है, तो लॉन्ग वाला डायगोनल होगा मान लो इसको डी वन, तो ये जो होगा वो ए प्लस बी वैक्टर का रिजल्टेंट होगा, और डी टू जो होगा वो ए माइनस बी का ए माइनस बी होगा। ठीक, ए माइनस बी का रिजल्टेंट होगा। ये चीज़ आपको याद रखना कि पैरेललोग्राम में एक जो डायगोनल होता है वो ए प्लस बी होता है, दूसरा होता है ए माइनस बी। अब जो ए और बी क्या है, ए और बी दिया हुआ, साइड क्या दी हुई है, ये पूरा दिया हुआ है 5a प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइड वन ले लेता हूँ, एस वन ले लेता हूँ, वो मेरे पास में 5a प्लस 2b, ठीक है, और एस टू में ले लेता हूँ ए माइनस 3b। ठीक है, तो बताओ डी वन, डी वन कितना आएगा, डी वन आएगा एस वन प्लस एस टू का मॉड। ये साइड साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आएगा। तो एस वन प्लस एस टू कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6a माइनस बी। ठीक है, वैसे ही अगर आप डी टू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एस वन माइनस एस टू कर लो, एस वन माइनस एस टू करोगे तो कितना आएगा 4a प्लस 5b। यहाँ तक इसको दिक्कत, इसको प्रॉब्लम यहाँ तक मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो तो क्या आएगा, डी वन का मॉडुलस कैसा आएगा, इसका मॉडुलस पता कैसे आएगा, इसको रूट करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आएगा 6a का स्क्वायर, कर लोगे 6a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आप वेक्टर लगा देना 2 इंटू 6a इंटू बी, और कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 5/4। ठीक है, क्योंकि अपन को लेंथ के अंदर आंसर पूछा तो अपन को लेंथ निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36 किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36a² ए कितना दिया हुआ, चलो अपन पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर माइनस 12 मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस 5/4। आप इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से डी टू निकालेंगे, डी वन भी निकालेंगे डी टू भी निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका 593 आएगा। ठीक है, ये करके बताना मुझे, समझ में तो आ गया कैसे करना, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इतना दिया हुआ है बी इतना दिया हुआ है, देन ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ए की डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा वेक्टर निकालना। तो ए तो लिख दो आप ए आई प्लस 2j प्लस 2k, इसी डायरेक्शन का चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, ए का यूनिट वेक्टर निकाल दो, ये ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर निकालने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसका कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करो, बी का मॉडुलस निकाल लो, बी का मॉडुलस कितना जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, ये कितना आ गया 7। बस कुछ नहीं करना, ये तो यूनिट वेक्टर बन गया है, वो रिक्वायर्ड सी वेक्टर जो होगा ये यूनिट वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 7i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई 3, बस आ गया आंसर 7/3i प्लस 2j प्लस 2k, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है पी और क्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस 2q दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप बताइए, तो यहाँ पर एंगल वेंगल तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सिंपल सा पी माइनस 2q पहले फाइंड कर लो, तो पी माइनस 2q कितना आएगा, तो पी कितना है 7i माइनस 2j प्लस 3k माइनस का 2q, क्यू कितना है 3i प्लस j प्लस 5k, तो करो माइनस कितना आएगा 6, ये बचेगा आई, ये 2j ये 2j, ये हो जाएगा माइनस का 4j, ये 3k माइनस का, ये प्लस का 3k, ये माइनस का 10k, तो माइनस का 7k, ये तो आगे p माइनस 2 आ गया। अब इसी का मॉडुलस ले लो, कितना हो गया 1 प्लस 16 प्लस 49, तो ये हो गया 49 65 66, तो कितना आंसर आ गया रूट ऑफ 66, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए,
द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेज ए बी एंड सी आर 2, 10, 11, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट। याद रखना, अगर तीन फोर्सेज या दो फोर्सेज, अगर दो ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे अगर ए बी सी ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 100 प्लस 121, ये हो जाएगा 225। 225 हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा इतने इजी क्वेश्चंस ये वो, देखो सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार थोड़ी समझ लो, उसके बाद सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दो तीन क्वेश्चन आपको दूंगा और फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। ऐसे करते करते थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो चलाएंगे ताकि स्टूडेंट सारे कनेक्ट हो जाए, और उसके बाद अपन थोड़ा स्पीड लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं तीन चार क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना। चलिए, दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको दोनों क्वेश्चन करना है और मुझे इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट बात, और बाकी सारे स्टूडेंट को एक बार बोल दो जो भी आपके कांटेक्ट में है। ठीक है, मुझे स्पीड बनानी है, लेकिन एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी स्टूडेंट बाद में कनेक्ट होंगे तो काफ़ी कुछ छूट चुका होगा, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने नए नए वीडियो डालते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और सेकेंड, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और कोर्सेज स्टार्ट किया जाए, तो आप मुझे सजेशन कर सकते हो, क्या मुझे SSC का स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या, जो भी है वो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।